जय श्री गणेश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नारियल के मोदक। इस गणेश चतुर्थी आप भी इसे जरूर बनाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता और मेरे चैनल गीता किचन में आपका स्वागत है। नारियल के मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट 200 ग्राम और मिल्क पाउडर 150 ग्राम। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप कप से मेजर करते हैं तो 2 कप लेंगे नारियल का बुरादा और 1.5 कप लेंगे मिल्क पाउडर। तो हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम हम एकदम लो मीडियम रखेंगे और इसे लगातार स्टर करते हुए भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ 1/2 कप मिल्क। मेजरमेंट के हिसाब से ये 100 ml है। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। इसे खूब अच्छी तरह से स्टर कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इस तरह से इसे मिक्स कर दिया है मैंने। अब हम इसमें मिलाएंगे 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क ज़्यादा मिलाना चाहते हैं तो फिर दूध को कम कर दीजिए। तो इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सचर ज़्यादा गीला ना हो, नहीं तो मोदक बनाने में बहुत परेशानी होती है। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबल स्पून शक्कर, क्योंकि मैंने एक मेज़रमेंट लिया है कंडेंस मिल्क का और शक्कर का। अगर आप शक्कर ज़्यादा मिलाते हैं तो कंडेंस मिल्क ना मिलाइए। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मैंने गर्म दूध में सेफ्रॉन मिलाकर रखा था कलर के लिए और फ्लेवर के लिए। तो अब हम इसे मिला करके उसे भी मिक्स कर देंगे। और ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट में मिक्सचर तैयार हुआ है। अब हम फिर फटाफट मोदक रेडी कर लेंगे। अब हम लेंगे एक मोदक मोल्ड और उसमें घी लगा लेंगे और उसके बाद हम इसमें फिल करेंगे मिक्सचर को, जिससे कि मोदक बंद करके बाहर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेकर के इसे अच्छी तरह से फिल कर देंगे। हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि इसका शेप आ जाए परफेक्ट मोदक का। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स और इसके बाद फिर ऊपर से हम थोड़ा सा मिक्सचर डाल करके इसे फिल करके ऊपर से पैक कर देंगे। नारियल के मोदक बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ हम इसे बनाएंगे तो ज़रूर बन जाता है। अब हम मोल्ड को धीरे धीरे खोलेंगे। बहुत ही सॉफ्ट मोदक होता है ये, तो आराम से खोलेंगे ताकि ये धीरे से अच्छे से इसका शेप बरकरार रहे। तो इस तरह से देखिए परफेक्ट मोदक रेडी हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम सारे मोदक बना करके रेडी कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने पहले भी एक मोदक की रेसिपी बनाई थी, संदेश मोदक। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी ट्राई करिएगा इस गणेश चतुर्थी में। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।